नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बिहार में जो है कई ऐसी राशियां जो है उसके लिए निर्गत की गई है। तो हम आज जानेंगे उन पर्यटन स्थलों के बारे में कि जिसको लेकर केंद्र सरकार ने जो है राशियां आवंटन की है। पिछले दिनों लोकसभा में बिहार के सीतामढ़ी में पर्यटन के विकास को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में जारी कार्यों के बारे में पूरी जानकारी माननीय सांसद को दी गई। बता दें कि लोकसभा में सीतामढ़ी से जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीतामढ़ी में पर्यटन की दृष्टि से क्या कार्य किया जा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में जारी विकास कार्यों के बारे में अपना जवाब दिया है। वर्तमान में सीतामढ़ी में केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत पर्यटन के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा दिए गए जवाब में बिहार में जारी कई स्कीम के तहत हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें प्रसाद स्कीम के तहत, स्वदेश दर्शन के तहत जारी कार्यों के बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रसाद स्कीम के तहत बिहार पर्यटन में जारी विकास कार्यों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णुपद मंदिर के बारे में। यहाँ पे जो है इसके बुनियादी विकास को लेकर साल 2014-15 में 4.27 करोड़ की राशि सैंक्शन की गई थी। इसमें से 2.91 करोड़ की राशि रिलीज कर दी गई है, यानी कि विकास के कार्य यहाँ जारी है। पटना साहिब के विकास के लिए 2015-2016 में 41.54 करोड़ की राशि सैंक्शन की गई थी, जिसमें से 33.23 करोड़ की राशि रिलीज कर दी गई है। अब बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत होने वाले विकास कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले है तीर्थंकर विकास सर्किट। इस सर्किट के तहत वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपा जोड़ने की बात जो है वह कही गई है। इसके विकास के लिए साल 2015-16 में 37.19 करोड़ की राशि सैंक्शन कर दी गई थी, जिसमें से 26.19 करोड़ की राशि रिलीज भी कर दी गई है, यानी कि इन क्षेत्र में भी विकास के कार्य जारी हैं। स्वदेश दर्शन के तहत ही आध्यात्मिक विकास सर्किट को जोड़ने की बात भी कही गई, जिसमें से कांवरिया रूट में सुल्तानगंज से धर्मशाला देवघर, यानी कि सुल्तानगंज से देवघर जो बाबा धाम का पूरा इलाका है, बाबा धाम यानी कि देवघर जो है अब झारखंड में है, लेकिन सुल्तानगंज जो है अभी भी बिहार में है। तो इन दोनों के बीच में कैसे पर्यटन को डेवलप किया जाए, इसको लेकर भी 2016-2017 में 44.75 करोड़ की राशि जो है सैंक्शन की गई थी, जिसमें से 42.52 करोड़ की राशि रिलीज कर दी गई है। स्वदेश दर्शन के तहत तीसरी जो सबसे बड़ी सर्किट है वो है बौद्ध सर्किट। इसके तहत बिहार में बुद्ध के स्थानों को जोड़ने की बात कही गई है, यानी कि जहाँ जहाँ बुद्ध से लगाव रहा, जिन जिन स्थलों का बुद्ध के साथ संपर्क रहा, उसको जोड़ने की बात जो है वो कही गई, जैसे कि राजगीर, गया, नालंदा खंडहर, एक नालंदा में ही एक जगह है तेल्हाड़ा, उसको भी जो है बुद्ध सर्किट के तहत जोड़ने की बात कही गई थी। इस सर्किट के लिए साल 2016-17 में 98.73 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से 93.22 करोड़ की राशि रिलीज कर दी गई है, यानी कि इस सर्किट के तहत भी काम जारी है। हालांकि मीडिया की खबरें इसको लेकर ज़्यादा नहीं बन पा रही है। बिहार सरकार को भी जो है इस सर्किट को लेकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से यह सर्किट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास सर्किट, इसके तहत भितिहरवा, चंद्रहिरिया, तुरकौलिया को जोड़ने की बात कही गई है। इस सर्किट के तहत साल 2017-18 में 44.65 करोड़ की राशि निर्गत की गई, वहीं 35.72 करोड़ की राशि रिलीज कर दी गई है। यह जगह जो है महात्मा गांधी के एक तरह से कह लें कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान से यह जगह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। भितिहरवा जो है यह जगह मोतिहारी में है, और इसलिए जो है यह एक तरह से कह ले पश्चिम चंपारण के उन इलाकों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब गांधी का नाम आता है तो उसमें भितिहरवा आश्रम का जिक्र जरूर आता है। तो ऐसे में गांधी को ध्यान में रखते हुए इस सर्किट का निर्माण किया गया, जिसमें से कहा गया कि ग्रामीण विकास यानी कि ग्रामीण इलाकों में कैसे हम डेवलपमेंट कर सकें, गांधी के ग्राम को हम देख सकें, गांधी के गाँव को हम जान सकें, गांधी ग्राम की अगर कल्पना करते थे तो वो क्या सोचते थे, इसको लेकर जो है भितिहरवा को इसके तहत जोड़ा गया। और
ग्रामीण विकास सर्किट का निर्माण किया गया। अब आखिरी जो सर्किट है वह है आध्यात्मिक विकास सर्किट। इसके तहत मंदार हिल और अंग प्रदेश को जोड़ने की बात जो है कही गई, इसको विकसित करने की बात जो है कही गई। साल 2017-18 में इसके विकास के लिए 47.53 करोड़ की राशि सेंक्शन कर दी गई थी, जिसमें से 38.02 करोड़ की राशि निर्गत कर दी गई है। तो एक तरह से कह रहे कि मंदार पर्वत, जिसका जिक्र आध्यात्मिक विकास को लेकर किया जा रहा है, मंदार पर्वत में ओढ़नी एक नदी है जिसको लेकर जो है बिहार सरकार बढ़िया काम कर रही है। और अभी पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो मंदार पर्वत में रोपवे भी है और यहाँ पे जो है ओढ़नी जो जलाशय है इसको लेकर भी लगातार बिहार सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय एजेंसियाँ भी जो है वह बिहार में पर्यावरण की दृष्टि से काम कर रही है, जिसमें से कि भागलपुर के रिवर फ्रंट नेशनल वाटर वे 1 और 2 के विकास को लेकर जो है साल 2019-20 पे 28.03 करोड़ की राशि जो है सेंक्शन कर दी गई है। इसमें से 7.01 करोड़ की राशि जो है वह रिलीज कर दी गई है। यानी कि अभी भागलपुर वाला जो यह प्रोजेक्ट है रिवर फ्रंट का, इस पे जो है अभी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि इसमें बहुत कम राशि जो है वह रिलीज की गई है। भागलपुर का जो नेशनल वाटर जो रिवर फ्रंट का जो यह पूरा प्रोजेक्ट है, यह केंद्र सरकार की एजेंसियां इसके तहत काम करती है। इसमें एक तरह से कह लें कि जलयान को लेकर भी काम होना है, जिसमें कि हवाई जहाज से जो है यातायात की सुविधाएं बहाल करने की भी बात कही जा रही है। तो एक तरह से कह लें कि बिहार में केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर काम चल रही है। पर्यावरण को दृष्टि से देखते हुए कई योजनाएं जो है, खास करके मंदार पर्वत और बौद्ध सर्किट, दो ऐसी योजनाएं हैं जो कि काफी पर्यटन की दृष्टि से जबरदस्त है और बिहार सरकार को इससे आने वाले दिनों में लाभ भी मिलेगा। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।